बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काजमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। इस वक्त मेरे साथ आपको पता है माहिर कानून और मशहूर सियासतदान एतजाज अहसन साहब मौजूद हैं। इनका आपको पता है वसी तजर्बा है, ख़ास तौर पर जो खान साहब के केसेस कल अदालत में 8 बजे 2 बजे मुख्तलिफ सुनवाई है, इस पर जो जज साहब इस केसेस को सुन रहे हैं उनके बारे में भी आप जानते हैं, और जज आमिर फारूक साहब जो फैसले महफूज हैं, उसके अलावा जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन केसेस पर, उस पर एतजाज अहसन साहब के साथ रखते हैं ये कानूनी तमाम क्वेश्चन। इनसे बेहतर ज़ाहिर है कोई जवाब दे नहीं सकता। मैं डायरेक्टर के पास जाता हूँ। शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले खान साहब के कल केसेस हैं, साइफर केस है, तोशाखाना का केस है, इसके अलावा जो अलकादर ट्रस्ट है, और ख़ास तौर पर जो कुछ फैसले महफूज भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब तक जो नवाज शरीफ साहब की वापसी भी है, जिस तरह अदालतों का एक किरदार जा रहा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, कल क्या होने जा रहा है? एक तो ये लगता है जिस तरह कल की कार्रवाई ट्रायल जज के सामने हो रही है, उसने कहा है कि कल फर्द जुर्म यानी चार्ज इंडाइटमेंट वो इंडाइट करेगा जज साहब इमरान खान को, उस केस में जो साइफर का केस है उसमें इंडाइटमेंट के लिए फिक्स्ड है। अब वो सबसे पहले मेरा ख्याल है इनकी ख्वाहिश है कि उसमें सजा एज पर द डील विद मिस्टर नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के लैंड करने से पहले सजा इमरान खान को कोई लंबी तवील सजा हो ताकि उसकी जमानत भी ना हो सके। ये लगता है जो टाइम फ्रेम जज साहब ने इंडिकेट किया है कि वो साथ ही गवाह भी बुलाने शुरू कर देंगे, और गवाह वो आज़म खान और ये वो। हालांकि मैं आपको बताऊं, साइफर वाला केस सिरे से बनता ही नहीं है जी, सिरे से बनता ही नहीं है। उसकी वजह आप बड़ी साफ है। पहली बात तो है कि प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइफर करने और डी क्लासीफाई करने, अगर क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट भी है, करने का खुद आइनी एतबार से मजाज है, और ये उसको उसके हल्फ में है कि मैं ऐसे मामलात को सीगा राज में रखूँगा ताकि मैं ये महसूस करूँ कि मेरे फ़राइज मनसबी के लिए ज़रूरी है, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज इट इज़ इसेंशियल दैट दीज बी डी क्लासीफाइड। तो वो तो खुद उसने करना है, इसमें तो कैबिनेट का भी किरदार नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो डी क्लासीफाई करना चाहे तो सिर्फ 4 मिनिस्टर्स के सामने करना चाहे। अगर तो कोई न्यूक्लियर राज हो उसके में, तो फिर तो वो शायद एक आध बंदे कोई आर्मी चीफ को साथ शेयर करें, या साइंटिस्ट जो भी सीनियर मोस्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो सीनियर मोस्ट हैं उनसे शेयर करें। पर वो शेयर करना, किसके साथ करना, या पूरा पब्लिक का देना, ये उनके इख्तियार है, और उसको ये आईन में हल्फ में है उनके। तो ये तो केस बन ही नहीं है सिरे से। और इस केस में तो आपने तस्लीम कर लिया है कि साइफर दुरुस्त है, क्योंकि आपने अमेरिका से एहतजाज भी किया है, डिमार्श किया है कि ये आपने क्यों धमकी दी है, डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर के ज़रिए क्यों धमकी भेजी है कि अगर आप कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास नहीं करते तो हमारी तरफ से बड़ी हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, वरना आप और आपकी बड़ी अगर कर देंगे तो हम माफ़ कर देंगे आपको, वरना आपके साथ अच्छी नहीं होगी। तो ये अच्छा, क्वेश्चन आता है, तस्लीम कर लिया। जी जी, आइन का 248 सेक्शन जो वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देता है, जिसपे अभी उनके आपको पता है, और फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर के जो कल दलाइल हैं वो उन पे समात है, उसके दलाइल यही हो सकते हैं कि इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, यही उन्होंने साबित करना है। तो खान साहब के पास आइन 248 और उनके दलाइल के बाद आपको क्या लगता है, जवाब क्या होना चाहिए? नहीं, खान साहब के पास तो बहुत ही अच्छा जवाब है ना। पहला जवाब तो ये है कि ये मेरा हल्फ ये मुझे कहता है, मजबूर करता है कि अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन की बात हो तो मैं पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लूं। अब कौन सा प्राइम मिनिस्टर नहीं लेगा, मोदी को अगर कोई थ्रेट करे प्राइवेटली कि आपके हम हुकूमत गिराने लगे हैं, कोई मतलब अमेरिका ही करे, मोदी विल गो टू टाउन। वो तो सारे इंडिया में 4 जलसे, एक चेन्नई में, एक
बंगाल में, कलकत्ते में एक, दिल्ली में एक, बम्बई में तो फौरन कर देगा, अहमदाबाद भी करेगा। तो वो ये तो बताना ही होता है। अर्दगान ने भी वार्न किया, उसने भुट्टो साहब शहीद जी, उनको इस बात पे कोई चार्ज नहीं लगाया जी, गया। मुशर्रफ ने किया था सर, मुशर्रफ ने कहा था, रिचर्ड आर्मिटेज ने जब कहा था हम आपको पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, उसने भी पत्थर के दौर में भेज देंगे वो, उसने बताया कौम को कि ये हमें कह रहे हैं तो इतनी बमबारी करेंगे जिस हम पत्थर के दौर में भेज देंगे। और मेरा ख्याल है आज इसराइल वही कर रहा है हमास और फलस्तीनियों के साथ, के एक स्पेस में बंद करके और ऊपर से बमबारी, आसमान से गिरती बामी गिर रहे हैं और वो बड़े शहीद पे शहीद हुए जा रहे हैं। तो ये अगर किसी ने कहा हो तो कौम को लेना, एतमाद में लेना तो बड़ा ज़रूरी है। फिर इसमें एक और बात देख लें, 248 के अलावा, 248 दूसरा क्लियर डिफेंस है, तीसरा जो डिफेंस है टोटल डिफेंस वो ये है कि ये इन्होंने चार्ज किया कि ही रिटेन्ड ए कॉपी ऑफ द साइफर डॉक्यूमेंट, वो एक कॉपी नहीं मिल रही गालबन, तो वो ही रिटेन्ड दैट ए कॉपी ऑफ द साइफर। ये उस दिन वो फैंसी नहीं था जिस दिन खान ने वो साइफर को सिर्फ लहराया आवाम के सामने, दिखाया भी नहीं, सिर्फ लहराया, और वो काबीना से भी, जो उसको ज़रूरत नहीं थी लेने की, लेकिन वो उस काबीना से भी इंडोर्समेंट ले ली। अब वो किसी सूरत केस नहीं बनता साइफर का, और साइफर क्या है, कोई उसमें एटमी राज तो नहीं है, कोई डिफेंस स्ट्रेटजी की को अफशा तो नहीं किया। तो ये अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है कि जब आपने तस्लीम कर लिया कि साइफर वाकई दुरुस्त है और डोनाल्ड लू ने वाकई ये धमकी दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इसको अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है, तो ये अगर जब आपने तस्लीम कर लिया तो आप किस मुंह से अब करते हैं, आप कह, आप उनको जाके ये कहेंगे कि हमने सिर्फ हटाया ही नहीं, हमने उसको पिंजरे में भी आपके दुश्मन को बंद कर दिया और उस पर कैमरे भी लगा दिए, तो हम चार कदम आगे गए, हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार और अमेरिका से ज्यादा अमेरिका के वफादार हैं। तो ये जग अधाई की बात है इस केस को लेके चल रही, जो आईन अब उसके हलफ के तहत उसको इख्तियार देता है वो आज़म खान क्या बयान दे सकता है, आज़म खान यही बयान दे सकता है ना जी कि ये जो मरासला है ये मेरे पास इतना अरसा रहा, इतना अरसा इस वक्त फलां वक्त मैंने वज़ीर आज़म को दिखाया, वज़ीर आज़म ने सोचा ये कौम को बताना चाहिए, अब वो क्या बात करेगा या कोई भी और। सो दां बादा माफ गवा काम आएगा जब सिरे से जुर्म बनता ही नहीं, और उस रोज ये जुर्म नहीं था रिटेनिंग द साइफर, जिस रोज रिटेन हुआ वो तो अप्रैल की बात है 2022 की, अब हम सितंबर 2023 में है, अक्टूबर 2023 में है। अब इस वक्त वो जो ऑफेंस उस दिन नहीं था वो बाद में ऑफेंस बना है जब शहबाज शरीफ हुकूमत बन गई है, प्राइम मिनिस्टर जब था इमरान खान, उसने दिखाया था, लहराया था वो साइफर या रिटेन कर लिया था। अब रिटेनिंग दी साइफर जिस दिन रिटेन किया उस दिन जुर्म नहीं था, तो बाद में जुर्म अगर कोई बन जाए एक इनोसेंट एक्शन, बाद में उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए बाय लेजिस्लेशन, तो आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट का है, वो उसका इतलाक नहीं होता उस शख्स पे जिस पे इल्जाम लगाया गया। जनरल बाजवा साहब और श्री मजारी, आपको पता है मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह पे, आप तो सोशल मीडिया समेत हर जगह पे ये बात आ चुकी है कि जनरल बाजवा साहब ने इस वक्त इमरान खान को मना किया था कि आप इसको मत लहरा, मत अवाम के पास लेके जाए, और फिर जो 1-on-1 मीटिंग हुई उसमें भी ये बात हुई, और श्री मजारी ने बड़ी तल्ख बातें की थी जिसका असर हमने देखा, श्री मजारी के साथ क्या हुआ, फिर इमरान खान के साथ क्या हुआ। तो ये वाकई मामला उसी तरफ जा रहा है जो बाजवा साहब ने भरपूर हक अदा किया उनका। लेकिन अब आपको क्या लगता है, फर्द जुर्म आयद होने के बाद आगे मामलात क्या हो सकते हैं? मेरे मुझे तो लगता है कि ये फर्द जुर्म भी जिस
सरियत के साथ, सरात के साथ और जल्दी तेजी के साथ की जा रही है मुरतब, और मुरतब करने के बाद ये जज साहब फरमा चुके हैं कि शातें साथ ही रिकॉर्ड करने शुरू कर देंगे। तो मुझे तो लगता है ये नवाज शरीफ के साथ जो डील है, क्योंकि नवाज शरीफ को, इसको देखें, नवाज शरीफ को एक गलत या सही, पर हकीकत ये है, हकीकत ये है कि वो एक मफरूर मुजरिम है, मफरूर मुल्जिम भी नहीं, मफरूर मुजरिम है। उसकी जगह सीधी जेल में है। अगर आपको कोई एब्सकॉन्डर मिल नजर आए प्रिजन को, प्रिजन सूट में, तो आप पे फर्ज, हर शख्स का फर्ज बनता है कि उसको हिरासत में लेके और वापस जेल पहुंचाने में, अगर खुद नहीं कर सकता तो इमदाद करे, मुआवनत करे, ये फर्ज है। अब वेयर डज ए कॉन्विक्ट बिलोंग, कॉन्विक्ट बिलोंग्स जेल, इन जेल, तो इनको तो जहाज से पर ही गिरफ्तार जब एनी लैंड्स ओके, और इन्होंने, इनको वो नहीं मिलेगी बेल बिफोर अरेस्ट, बेल बिफोर वो प्रोटेक्टिव बेल, उसकी वजह ये है। जी जी, चलो सर, उन्होंने बेल अप्लाई भी नहीं की, अभी दिन भी थोड़े रह गए, उसकी वजह जो कह रहे हैं तो अप्लाई भी नहीं की बेल, तो टाइम लगता, क्या एक दिन में ही फैसला दे देंगे? वो कह रहे हैं, देखिए वो नहीं कर सकते क्योंकि जिनको बेल मिलती है ना वो मुल्ज़िम होते हैं, मुजरिम नहीं होते। मुल्ज़िम कहता है मैं अदालत में पेश होने के लिए आ रहा हूँ, मुझे मौका दिया जाए कि मैं अदालत में आज खुद पेश हो जाऊँ, तो उस वक्त तक मुझे बेल दी जाए, ये दो मेरे जामिन हैं, इन ये आपको जमानत नामे भर के देते हैं, और आप मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार ना करें, एयरपोर्ट से अदालत पहुंचने तक का जो मरला है वो एक दिन लग जाए या चंद घंटे ही लगे, वो आप मुझे उसमें प्रोटेक्शन दे दें ताकि मैं आपके सामने पेश हो जाऊं और आप मेरी जमानत का फैसला वो उसके बाद जैसे मर्जी कर लें। लेकिन इन्होंने, वो तो कहता है ना वो कि मैं अदालत में पेश होने जा रहा हूँ, मियाँ साहब ने तो अदालत में पेश नहीं होना ना, मियाँ साहब ने तो जेल जाना है, मियाँ साहब ने तो अपने आप को सरेंडर करना है। नहीं, मीनारे पाकिस्तान तो नहीं जा सकते, कानून के तहत तो नहीं जा सकते, कोई डील अगर हो गई है तो मैं नहीं कह सकता, पर डील भी खिलाफ कानून होगी, हमारे कानून और आईन को तो कोई देख ही नहीं रहा, ना देख रहा है वजीर आजम, ना देख रहा है हमारा सफीर अमरीका बरतानिया में, वो जाके एक मफरूर मुजरिम को अगर सी ऑफ करता है और उसको मशवरे भी देता है और प्रोटोकॉल भी देता है, तो फिर ये तो बड़ी गजब की बात हुई ना, ये तो, ये किसी और दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। वो सफीर को फौरन वापस बुला के उसको सर्विस से डिसमिस किया जाए कि तुम ये छोड़ दें एक मिनट वास्ते, ये भूल जाएं कि मियां नवाज शरीफ है, वो तीन दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं बेशक, पर फर्ज असल में तो कैटेगराइज होते हैं एज ए एब्सकॉन्डिंग कॉन्विक्ट, कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर, तो उसको अगर आप उसकी सहूलतकारी कर रहे हो एयरपोर्ट्स पे, बजाय ये कि आप कहें स्कॉटलैंड यार्ड को वहां से फोन करके कहें कि जी हमारा ये मुजरिम यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचा हुआ है, इसको गिरफ्तार जरा आके कर लें, ये एब्सकॉन्डर है, तो आप उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, तो ये तो लगता है डील का बड़ा वाज़े सबूत लगता है। बिल्कुल। अच्छा चलो साहब, आपने देखा है कि जस्टिस फायज ईसा साहब, उनके बारे में बड़ा मशहूर था जी, बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, बड़े कड़क के फैसले देंगे, अभी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने बताया हुआ है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का, आपको पता है केस चल रहा है, फैसला नहीं, आप मिलिट्री ट्रायल नहीं शुरू कर सकते, दो तीन दिन से वो ट्रायल भी शुरू, बल्कि ज्यादा टाइम हो गया अब ट्रायल भी हो रहे हैं, उसके अलावा काजी फायज साहब ने एक प्रैक्टिस प्रोसीजर का केस बड़ी जल्दी उन्होंने शुरू भी किया, उसको खत्म भी किया, मामला भी हुआ, लाइव भी चलती रही ट्रांसमिशन, तो क्या उन्हें ये सारी चीजें जो मुझे नजर आ रही हैं, आपको नजर आ रही हैं, पूरी दुनिया को नजर आ रही हैं, कानून की तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो काजी फायज साहब के पास ये मालूमात नहीं पहुंचती होंगी, उन्हें नहीं पता चल रहा होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है, एक चीफ जस्टिस होने के नाते वो अपना कुछ इसमें इनपुट दें, अपनी कुछ फराइज की, उनका भी तो कोई हक बनता है। बार कैफ हमने, मेरे मावन वकला ने ये इधर दरख्वास्त दे दी है इसी बुनियाद पे, अर्ली हेयरिंग की भी उस पटिशन पे जिसमें, जो मैंने फाइल की है,
लतीफ खोसा साहब की तरफ से, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने मेरी गुजारिश पे वो एक दरख्वास्त दे दी है फॉर इमीडिएट हियरिंग, क्योंकि वो ट्रायल हमें खबर मिली है कि ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं, जबकि अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट वही रहता है चाहे अता बंदयाल हो चीफ जस्टिस चाहे फैज ईसा हो, ये नहीं कि उन्होंने अता बंदयाल साहब को दिया था अश्योरेंस और ये गारंटी नहीं दी थी फैज ईसा साहब कोई नई एक इंस्टीट्यूशन इदारा बन के आ गए, इदारा वही है, उसको सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि कोई ट्रायल नहीं शुरू होगा आपसे आपको इतला किए बगैर फॉर्मली, और हम आपसे इजाज़त फिर लेंगे कि ये ट्रायल हम शुरू कर सकें। तो अब उसकी तो तौहीन अदालत बड़ी वाज़े है अगर ये ट्रायल शुरू हो गए। अभी तक तो हमें ज़राए से खबरें मिल रही हैं, पर वो ज़राए बड़े मोतबर हैं जिनसे मिल रही हैं, क्योंकि रिश्तेदार उनके ये कह रहे जी। अच्छा चलो साहब, एक और चीज़ बड़ी अहम इसमें जो अभी मामलात आप देख रहे हैं, कानून और इंसाफ की धज्जियां हर केस में जिसे छोड़ा जाता है। अभी मुराद सईद के बहनोई पर केस डाला उन्होंने, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया, उसे छोड़ा, फिर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पहले भी आप देख चुके हैं बहुत सारी ऐसी मिसालें अनगिनत, परवेज अलाई के केस में इसला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब इन लोगों को एक तरफ छोड़ा जाता है, दूसरी तरफ फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं एमपीओ के तहत, और मजिस्ट्रेट और जस्टिस वो स्पेशली पेशावर हाईकोर्ट ने तो उस पर बड़ा सख्त एक्शन भी लिया। तो जजेस जो इस वक्त बैठे हैं, जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देखता है कानून के लिए, इंसाफ के लिए, अगर ये लोग इस तरह के फैसले, इस तरह कानून की धज्जियां उड़ती जाएंगी, तो फिर पाकिस्तान में कानून और आईन को बंद नहीं कर देना चाहिए? फिर अदालतें लगाने का मकसद क्या बनता है फिर? नहीं, बेशक आपकी बात में काफ़ी सदाकत है, क्योंकि खासकर देखें जिस वक्त एक हाईकोर्ट के जज ने ये कहा होगा कि ये परवेज राय को मैं रहा कर रहा हूँ, इसको आपने डीआईजी और एसएसपी को बुला के खड़ा करके सामने, और एडवोकेट जनरल को कहा हो कि इसको आपने घर तक पहुँचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, और उसको इस्लामाबाद की पुलिस वर्दी में, बावर्दी भी नहीं, डकैतों की तरह ये मुंह पे भी लगाए हुए वो पटके बांधे हुए, पटके जिस तरह हमारे पंजाब में बांधते हैं, मास्क नहीं होता वो मफलर कोई उससे मुंह सारा चेहरा सारा ही छुपा लेते हैं, वो उस तरह पकड़ के ले गए। डीआईजी भी वहाँ खड़ा है और डीआई खोसा साहब भी थे उस वक्त उसके साथ, तो डीआईजी साहब कहते हैं खोसा साहब आप जरा एक तरफ हो जाएं, इसको इनको जाने दें, और वो डकैतों की तरह, वो तो अगवा ही था ना, वो बाद में इस्लामाबाद पुलिस ने जब कहा कि आईजी ने या डीआईजी ने कहा कि हमारे बंदे थे हमने वहाँ से गिरफ्तार किया है, तो ये तो गिरफ्तार करने का तरीका नहीं है कि आप एक बंदे को डकैतों के रूप में, हाँ पुलिस के रूप में आ पाए, और फिर भी जब हाई कोर्ट ने कहा हो कि इसको गिरफ्तार नहीं करना और इसको घर तक पहुंचाना है, तो उसके बाद तो हाई कोर्ट को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए था इसके बाद, ऐसे आईजी को या ऐसे डीआईजी को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए था, इनको तो बिल्कुल कॉर्नर में लगा होना चाहिए।